नमस्कार दोस्तों, जैसे हमारा अलग अलग सेल्समैन होती है, ये मेन पीसी है, ये सेल्समैन वन या सेल्समैन टू, आप काउंटर वन काउंटर टू कह सकता है। तो एक एक काउंटर वाला, जो फॉर एग्जांपल ये वाला काउंटर में आज के दिन में कितना सेल हुआ है, गूगल पे से कितना पेमेंट आया हुआ है, फोन पे से कितना आया हुआ है, क्रेडिट टर्म्स कितना आ गया, मतलब उधार कितना गया हुआ है, इन कैश कितना आया हुआ है, तो ये सारा रिपोर्ट्स किस तरीके से मिल जाती है। तो आपको ये सारे रिपोर्ट्स, ये जो एडमिन पीसी होती है, यहाँ से मिल जाती है बेसिकली। तो आपने सीधा चला जाइए दोस्तों, देखो इधर रिकॉर्ड्स के अंदर चला जाइए, देखिए इधर रिकॉर्ड्स आपको एकदम डिटेल्डली रिपोर्ट मिल जाती है। रिकॉर्ड्स के अंदर देखो सेल्स में चला जाइए आपने, यहाँ आपको देखो ऑपरेटर आईडी डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। देखो ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब आपका जितना भी सेल्स में, फॉर एग्जाम्पल राकेश, इन्होंने कितना कितना सेल किया उसका टोटल वगैरह सारे सब कुछ आपको यहाँ मिल जाती है, 24,700 रुपीज़। और इनकेस आपको जो पेमेंट का डिटेल्स अगर जानना होती है, उन्होंने देखो यहाँ देखो सेल्स पेमेंट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे भी आपको देखो पेमेंट मोड, आपको फॉर एग्जाम्पल कैश में कितना आया हुआ है, और आपको फॉर एग्जाम्पल गूगल पे वगैरह से कितना आया हुआ है, तो यानी उधार वगैरह से कितना आया हुआ है ना, कैश कितना, तो इस तरीके से आपको सारे मिल जाती है यानी रिपोर्ट्स। तो हमने जानेंगे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल्समैन जो है, आपको कितना भी सेल्समैन को रीड कर सकता है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी फॉर एग्जाम्पल अभी दो सेल्समैन को रखा हुआ, यानी काउंटर को रखा हुआ है, आपको चाहिए तो 5 या 10 जितना भी है रेंडर पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपने आराम से सेल्समैन को बना सकता है। तो एक सेल्समैन को हमने बना लेते हैं, और कोई भी पीसी में हमने सेल्समैन के लॉगिन आईडी से लॉगिन कर देते हैं, और उसमें से दो बिल बना देते हैं, तो आपको इधर से रिपोर्ट दिखाई देंगे। तो आपको मैंने एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, आपने इधर देखो यूजर रजिस्ट्रेशन में चला जाइए, आपने एक नया सेल्समैन का नाम बताइए जी, फॉर एग्जाम्पल सुमेश, SUMESH, ओके जी। और उसका सेल्समैन का जो कंट्रोल है ना, सेल्समैन सेल्स पर्सन डाला मैंने, पासवर्ड 1 2 3 4 5 करके डाला मैंने, आप अपना मतलब सीक्रेट पासवर्ड किसी को बोल रहे नहीं, 1 2 3 4 5 सॉरी नेम डालो सुमेश, और ईमेल आईडी डालो फॉर एग्जाम्पल SUMESH@gmail.com, और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, ये जो नाम और इसका पासवर्ड से मतलब है, ठीक है जी। तो हमने इसको सीधा इधर देखो सेव कर लेते हैं, सुमेश बोल करके हमने एक SUMESH सेल्समैन को क्रिएट कर दिया। अभी सेल्समैन को क्रिएट करने के बाद आप सीधा जा सकता है, देखो रिकॉर्ड्स के अंदर जा सकता है, सेल्स में जाइए आप, इधर देखो अभी ऑपरेटर सुमेश को सेलेक्ट करने से कुछ निकालिए, क्योंकि अभी जस्ट क्रिएट किया हुआ है। चलिए हमने कोई भी पीसी दिखाओ दोस्तों, आपको कोई कौन सा पीसी पसंद आया, इसमें करूँ या इसमें करूँ, इसमें करके दिखा देता हूँ। चलिए इसको लॉगआउट कर लेते हैं हमने, और दोबारा जैसा आपने जो जैसा लॉगिन करती है, आप इसको देखिए, जैसा आपने इसको सेलेक्ट कर दिया और अपना जो नया बनाया ना SUMESH छोटा लेटर में है, SUMESH और 1 2 3 4 5 जो भी उसका पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड। अभी फर्स्ट सेल कर रहा हूँ उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल सेल्स में चला जा रहा हूँ, ये देखिएगा, और ये जो इसमें हमने कोई भी प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है ना, उठा लेके स्कैन कर लेते, कितने प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल इसको सेल कर रहा हूँ हमने, फॉर एग्जाम्पल इसका कितना हुआ जी 150 रुपीज़, ये आपको 10 पीस करिए 1500 रुपीज़, ऐड करिए और सेव करिए और प्रिंट करिए दोस्तों, सेव एंड प्रिंट जो भी आपको करना है कर लीजिएगा, ठीक है। इधर से प्रिंट आउट भी आ चुका है, ये देखो इसको 1500 रुपीज़ का प्रिंट आउट भी आ चुका है, आपको देख सकता है ना, 1500 रुपीज़ का प्रिंट आउट भी आ चुका है। चलिए हमने यहाँ रिपोर्ट्स में आ रहे क्या नहीं आ रहे देखेंगे, इधर देखो सुमेश को और एक बार हम सेलेक्ट जैसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका, देखिए उन्होंने कितना रुपये का, देखो 1500 रुपीज़ का सेल उन्होंने किया हुआ है, देखो है ना, तो उस तरीके से आपको मिल जाती है। तो आपको यानी रीसेट करने से आपको टोटल मतलब टोटल सेल इतना हुआ है, सबसे लास्ट वाला सेल जो है कहाँ से आया हुआ है, सुमेश से आया हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से आपको मिल जाती है। और समझ लीजिए आपको ये वाला जो ओके सुमेश कस्टमर ही गूगल पे से एक पेमेंट लेके पेमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट है ऐड कर लेते हैं, मैंने ऐड कर लेता हूँ, और ये जो पेमेंट जो है ना जी गूगल पे से डाल लेते हैं, देखो गूगल पे ऐड करिए, अकाउंट नंबर भी डाल दीजिए, ऐड करिए और सेव करिए, सुमेश जो है ना पेमेंट जो लिया है गूगल पे से लिया हुआ है और यानी सेव किया हुआ है। अभी हमको उसका रिकॉर्ड्स देखना दोस्तों, यहाँ आइए अपने
रिपोर्ट्स के अंदर सेल्स ये वाला नहीं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के अंदर सेल्स में चला जाइए और यहाँ आपने ऑपरेटर सुमेश को सेल, उसका दो सेल आया हुआ अभी, ठीक है जी, ये देखो दो सेल्स आ चुका है। तो उनका जो इधर देखो ये पेमेंट का जो ऑप्शन इधर चला जाइए आपने, देखो सेल्स पेमेंट मेथड, उन्होंने कौन कौन सा पेमेंट मेथड का थ्रू पेमेंट लिया हुआ है, देखो गूगल पे सेलेक्ट करते हैं उसमें से एक सेल आया हुआ है अभी जो लास्ट सेल जो किया हुआ है 90 रुपये का, और एक सेल उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल गूगल पे से करते हैं समझ लीजिए, और एक सेल कर लेते हैं हमने, ये 118 रुपये का है, ये भी हमने गूगल पे से करते हैं, नहीं 999 रुपीज़ का, 999 रुपीज़ का, 999, ठीक है जी, ये आपको गूगल पे कर लेते हैं हमने, कोई भी ऐड कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। चलिए प्रिंटआउट अगर करना है तो आपको सीधा प्रिंटआउट बटन दबाने से आपको प्रिंटआउट भी आ जाती है। चलिए आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको सुमेश को और एक बार सेलेक्ट कर लेते, देखिए अभी 3 सेल आया हुआ उनका, ये देखिए, ठीक है जी, ये सुमेश का 3 सेल आया हुआ है। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, इसमें देखो पेमेंट मोड में चला जाइए, आपको गूगल पे सेलेक्ट कर दीजिए, गूगल पे से 2 पेमेंट आया हुआ है, गूगल पे से 2 सेल आया हुआ है और उसका टोटल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देती है, ठीक है जी, उन्होंने टोटल आज का दिन में कितना सेल किया हुआ है सारे सब कुछ। हमने देखो इधर इनका देखो रागेश ने कितना सेल किया, 4 सेल किया हुआ उनका, 24,700 टोटल सेल्स है आज का। ये आपको एडमिन में लॉगिन है, ये आपको लॉगिन करके मैंने रागेश में लॉगिन करता हूँ, RAKESH और ये नीचे है ना 1 2 3 4 5 है मेरे ख्याल से। चलिए रागेश का अकाउंट में हमें कुछ सेल करवा दे रहा हूँ, देखो इधर ट्रांजैक्शन में सेल पैनल में चला जाती है और कुछ प्रोडक्ट इधर उठा लीजिए आपने, फॉर एग्जांपल शुगर, और ये आपको 90 रुपये का, 90 रुपीज़ का है, ये कैश सेल कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। ये दूसरा ऑपरेटर है, ये देखिए अभी लास्ट बिल उसका, इस तरीके से बिल भी चला जाएंगे उसका। चलिए हम इसका रिपोर्ट्स थोड़ा देखेंगे, अभी इनका 5 रिपोर्ट्स आना चाहिए, यानी अभी फिलहाल इसके 4 है, अभी हमने रिफ्रेश कर लेते हैं इसका, देखो टोटल 5 सेल आया हुआ है उसका, देखो 24,790 रुपीज़ चला गया। तो हर एक यानी यूज़र वाइज आपको रिपोर्ट ले सकता है, यानी इवन आपने ये जो यूज़र है ना उधर जाके लॉगिन करो, वो वाला यूज़र जो है दूसरा पीसी में आके लॉगिन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एडमिन में प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएंगे क्या क्या कितना कितना रुपये का सेल हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।